बाइक लूट कांड का खुलासा करते हुए डीएसपी ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि तेहरा थाना क्षेत्र के गौरा चौर में 12 दिसंबर 2020 को बछवारा प्रखंड में कार्यरत कनीय अभियंता रविन कुमार से बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर बाइक, मोबाइल और 1800 रुपये लूट लिए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने टीम गठित कर तकनीकी अनुसंधान के बाद मचहा गांव से सूरज कुमार को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर उसके दो साथी संतोष कुमार और अमन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से कनीय अभियंता की लूटी गई मोबाइल को बरामद किया, जबकि एक लूट में शामिल अपराधी फरार है जिसके पास लूटा हुआ बाइक है। गिरफ्तार तीनों को आपराधिक इतिहास है, जो हत्या के मामले में जेल भी जा चुके हैं। और क्या कुछ कहा है डीएसपी ओम प्रकाश ने, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। 12-12-2020 को संध्या करीब 5:30 बजे गौरा चौर से एक पल्सर मोटरसाइकिल की लूट हुई थी, जिसमें तीन अपराधकर्मियों द्वारा एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल से इस घटना को पारित किया गया था। इसमें हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित की गई थी थाना अध्यक्ष चकरा के नेतृत्व में। इन लोगों के द्वारा अथक प्रयास के बाद पहले एक व्यक्ति की, सूरज कुमार की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ एक अमन कुमार की गिरफ्तारी हुई है, वो जिसके पास से लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। ये दोनों ही लोग लूटे हुए मोबाइल का यूज कर रहे थे और इसके निशानदेही के बाद हम लोगों ने संतोष कुमार को गिरफ्तार किया, मुफस्सिल थाना क्षेत्र से उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो मोटरसाइकिल एचएफडीएस प्रयुक्त हुआ था लूट में, वही बरामद हुआ है और एक अभियुक्त अभी भागा हुआ है, इसका नाम आ गया है और वही अभी लूटा हुआ मोटरसाइकिल यूज कर रहा है, उसका भी रिकवरी और उसी गिरफ्तारी के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस तीनों का आपराधिक इतिहास है, इसमें से दो का जो है मर्डर केस में, इसमें सूरज और अमन का एक मर्डर केस में जेल जा चुका है और एक जो है संतोष कुमार, वो लूट केस में भी जेल जा चुका है।